इस वक्त की बड़ी खबर है लखनऊ से, जो ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को लेकर तकरीबन 1.25 लाख करोड़ का मिला प्रस्ताव। योगी सरकार के प्रयास से 17 कंपनियों में 20,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। औद्योगिक उत्सर्जन को कम करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने में जुटी यूपी सरकार। यूपी सरकार ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया उत्पादन को दे रही बढ़ावा। उर्वरकों, रसायन, रिफाइनरी, भारी वाहनों, ऊर्जा भंडारण और लौह इस्पात क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन है महत्वपूर्ण। 2029 तक यूपी के 1 मिलियन ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। यूके की ट्रॉफ ग्लैडर स्क्वायर कैपिटल में 10,000 टन प्रतिवर्ष हाइड्रोजन उत्पादन का दिया गया प्रस्ताव। वेस्टर्न में बुलंदशहर में ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया 40,000 करोड़ का दिया गया प्रस्ताव। हाइजेनिको ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने प्रयागराज के लिए भी दिया 16,000 करोड़ का प्रस्ताव।